रही। आज ये पेशेंट है बच्ची समा, हमारे पास आई है। इसको ना टॉन्सिल्स का इशू है, इसके किसिंग टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे में खाने पीने का इशू हो रहा है और इवन सांस लेने में उसे मसला हो रहा है। मैं आपको इसका थ्रॉट चेक करवाता हूँ। और ये वीडियो जो है ये समा के वालिद साहब हैं, अब्दुल कादिर साहब। ये मैं इनकी इजाज़त से बना रहा हूँ, क्यों जी कादिर साहब इजाज़त है? जी जी इजाज़त, मेहरबानी। ये देखिए बच्चे मुँह खोलो, ये मैं इधर आपको कैमरे में दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसके टॉन्सिल्स हैं, ये देखिए कैसे इसका जो थ्रॉट है गला है वो बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है टॉन्सिल्स में। अच्छा कादिर साहब, मैं दसो मैनू कदों का मसला है थोड़ी बच्ची? ये दो ढाई साल तो है। दो ढाई साल तो है। अच्छा फिर जो मसला शुरू होया उदो बच्ची की खांदी पींदी सी? की तुसीं पापड़ सी पापड़ वगैरह खांदा नहीं सी ना, मतलब कुल्फी वगैरह ये तरह की चीज़ खांदी थी, ओदी वजह तो नहीं मसला जी। अच्छा यानी कि थोड़ा अंदाजा है कि पापड़ कुल्फियां बोतलां इन दी वजह तो चीज़ शुरू हुई है। ये देख लें, इसके जो बच्ची के फादर हैं वो बता रहे हैं कि जी पापड़ खाने से जो स्लंटीज़ हैं या जो इवन चिप्स हैं, किसी भी कंपनी के हों, मैं किसी ब्रांड का नेम लेना चाह रहा, तो ये उसकी वजह से इसकी बच्ची को मसला हुआ है और इसका ऑपरेट करना पड़ेगा हमें। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने बच्चों का ख़ासतौर पर ख्याल रखें, क्योंकि इन्होंने जब हिस्ट्री दी इन्होंने बताया कि घर में है तो हमने काफ़ी हद तक इसको बच्ची को मना किया हुआ था खाने से, लेकिन जब ये स्कूल जाती थी स्कूल जाके ये पापड़ और बाकी चीज़ें इस्तेमाल करती थी। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें और जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं है और अनहाइजेनिक है, पापड़ सलांटीज़ वगैरह, इनसे परहेज करवाएं। थैंक यू।